In order to improve basic learning in government schools, Pratham has piloted a program called Padho Jehanabad in Bihar. मैं किताब को लेके उनसे कहा कि पढ़ाओ तो ध्यान में आया कि कई बच्चे संयुक्ताक्षर में फंसते हैं कई बच्चे पूरा वाक्य नहीं पढ़ पाते कुछ पढ़ते भी हैं तो बड़े रुक रुक करके पढ़ते हैं जैसे कक्षा पाँचवीं का बच्चा है चौथी का है तीसरी का है और उसको यदि पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यह चिंता का विषय तो ऐसी स्थिति में हमको लगा कि शायद हम लोग वह चीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हमें करना है और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रयास आरम्भ किया मैंने बहुत सारी संस्थाओं से संपर्क किया सर्व शिक्षा अभियान के लोगों से यूनिसेफ के लोगों से और सबों से बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि प्रथम जो कुछ टूल्स के आधार पर बहुत जिलों में काम कर रही है जैसे जहानाबाद में या दूसरे राज्यों में हम भी उसमें थोड़े से छोटे मोटे बदलाव के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कुछ काम करें फिर हमें लगा कि काम जब शुरू करेंगे तो कहाँ से करें एक तो था कि हमारे 27 प्रखंड हैं तो हमने 5 प्रखंड में काम शुरू किया In this program, a special learning class is instituted in every school on a daily basis, where children are divided into groups based on their learning level. इसमें जो भी क्लास होता है वो स्तर अनुसार होता है स्तर अनुसार बच्चे रहते हैं उसी के अनुसार हम लोग गतिविधि करते हैं पाठ्यक्रम में एक वर्ग के सभी बच्चों के लिए ग्राह्य नहीं हो पाता है तो इस तरह से जो उनका स्तर है लेवल ऑफ लर्निंग है उस हिसाब से बांट के अगर हम पढ़ाते रहे तो आने वाले दिन में हम काफ़ी प्रगति कर पाएंगे इस पर माइंड मैपिंग गतिविधि जो है उस गतिविधि में मुझे इतना रुझाव हुआ जो उससे बच्चे को एक शब्द दे दिए और उससे अनेक शब्द अनवाए जैसे पहले मैं पढ़ाती थी बड़े समूह में बच्चे सीख नहीं पाते थे अब हम छोटे समूह में पढ़ाते हैं बच्चे जल्दी सीखते हैं उसे उसमें बच्चे में बहुत प्रगति हुई है जो बच्चे पहले क्लास में ब्लैक बोर्ड के सामने जाने में झिझकते थे वो अब झिझक उसके पास नहीं है अब कौन से आपने देखा कमल लिखा किताब लिखा केला लिखा मैंने कहा कन्हैया लिखो तो वो थोड़ा कठिन था वो बच्ची नहीं लिख पाई तो ऐसा हम नहीं क्लेम करते हैं कि हमने पूरी दुनिया बदल दी अपने बच्चों की ऐसा नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से लिखना पढ़ना सीखना आसान हो जाता है One teacher is assigned to each group and uses Pratham's teaching methodology to teach. The aim of this effort is to ensure that all children in class 3rd, 4th and 5th should be reading class 2 level text fluently. प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग विद्यालय में जाते थे वहाँ करके हम लोग देखे इस चीज़ को 25 बच्चे थे और मैं खुद प्रारंभिक माहौल में था और 15 दिन के बाद में 12 बच्चे जो है अक्षर पहचानना जान गए कमाल के माध्यम से बताया गया और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को उसके बारे में बताया गया ऐसी ट्रेनिंग हम मतलब अपने लाइफ में पहले कभी नहीं किए थे 3 दिन के अंदर ही बहुत कुछ हमें बताया गया सिखाया गया इसमें हमें बड़े खड़ी चार्ट सच्ची चार्ट बड़े खड़ी मज़ेदार कहानियाँ सभी मिली थी जो सारे मटेरियल थे बहुत ही अच्छे थे 60,000 बच्चों को असर के भाषा टेस्टिंग टूल के द्वारा उनकी दक्षता की जांच की गई। जांच के बाद सभी बच्चों को प्रारंभिक शब्द अनुच्छेद और कहानी ये 4 महल में बांटा गया Thereafter, assessment and evaluations is conducted. First, internal assessment by the teachers and second, external evaluation by a third party. This mission was instituted to impact over 7.3 million children in 72,000 elementary schools. The goal of the mission is to get every child in standard 5th to reach close to grade level competence. The child should be able to read textbooks of their grade and perform mathematical operations as expected of grade 3 to 5 students. This project will help bring about the large-scale improvements in the children's learning level in language and mathematics and will have a long-term impact on their foundational skills.
कि नरमिल्ली दोमट मिट्टी में हर पौध फूलता फलता है, रेतुम कंकड़ व पत्थर पर कुछ घास उगा दो तो जानो, पढ़े को पढ़ाने आए हो अनपढ़ को पढ़ा दो तो जानो, बोलने वालों से बहुत बुलवाए हैं आप, चुप रहने वालों से बुलवा दो तो जानो। इस पढ़ो जहानाबाद कार्यक्रम में जो बच्चे चुप रहते थे, बैठे रहते थे, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है।